खबर रीवा से। शासकीय जमीन को गलत तरीके से छोटे छोटे खंडों में विक्रय करने की जानकारी नगर निगम को मिली थी। हालांकि लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद भी नगर निगम अमला उक्त मामले में हीला हवाली कर रहा था। विगत दिनों जब निर्माण कार्य शुरू हो गए तो जानकारी नगर निगम अमले को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे नगर निगम अमले ने निर्माण कार्य को रोक दिया है। वही उक्त भूखंड को बेचने वाले कपिध्वज सिंह उर्फ भैया साहब पिता नरेंद्र सिंह और जमीन को बेचने वाले भरत शरण सिंह पिता राम सिंह के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम की धारा 292 सी के तहत प्रकरण को पंजीबद्ध किया गया है। बताया जाता है कि बंबा घाट के पास घोघर स्थित कोठी की जमीन को गलत तरीके से बेचने की साजिश रची गई थी। ये मामला 2021 में प्रकाश में आया था, लेकिन नगर निगम शिकायत नहीं दर्ज करा रहा था। वहीं काफी दबाव के बाद नगर निगम के सब इंजीनियर दिलीप त्रिपाठी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने उक्त व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि कपिध्वज सिंह उर्फ भैया साहब ताला कोठी के नाम से चर्चित है और गुड़ विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिनके द्वारा उक्त जमीन को गलत ढंग से बिक्री किया गया था। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि कई बार नोटिस जारी की गई, इसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया और अब नगर निगम उस स्थान पर चल रहे निर्माण कार्य में रोक लगा दिया है। थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। आपको बता दें कि अब प्रदेश सरकार के द्वारा भू माफियाओं के खिलाफ उठाए जा रहे सख्त कदम के बाद कार्रवाई हुई है। देखने वाली बात अब ये होगी कि आगे की कार्रवाई कहां तक पहुंचती है या फिर FIR दर्ज कर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। जी एक्चुअली ये अमरा कोठी थी जी, भरत सिंह शायद उसका कुछ जिनके नाम थे शायद जी, उनने कपिध्वज जी को बेचा था जी। 4-5 खसरे हैं देखिए वहाँ पे फाइल से मिल जाएंगे। और फिर उनने उसे बिना अनुमति के उनने लोगों को भूखंड बेचना शुरू कर दिया जी। इतनी कार्रवाई, जबकि भूखंड बिना कॉलोनी विकास अनुमति के नहीं बेचना चाहिए जी, नियम तो ये है। उसी पे रोक ओक लगाने की कार्रवाई भी चल रही है। फिर अपने को जानकारी हुई कि निर्माण चल रहा है तो नगर निगम ने फिर निर्माण में देखिए जैसे निर्माण लोग चलते कोई बिना मंजूरी का भी बनाता है जी, तो उसको रोकने गए, मंजूरी के लिए भी लोग आते हैं तो उनको नहीं दिया गया। कुछ नदी का भी मामला है वहां से किनारे से बिल्कुल, तो कई चीजें हैं सर। इस हिसाब से थोड़ा सा उनको चिट्ठी भी लिखा गया कि आप अभी पेपर ऊपर सबमिट कर दें जी, कपिध्वज सिंह जी को जी। अभी इतना केस है सर उसमें। तो अब आगे फिर क्या होगा सर, जो FIR तो दर्ज होगा या फिर आगे क्या होगा? अब देखिए भेजा है कि भाई न बेचे और रजिस्ट्रार को लिखा है कि नहीं भाई रजिस्ट्री न करें। अब देखिए जैसे वरिष्ठ अधिकारी निर्णय लेंगे जी जी, अब ये वरिष्ठ अधिकारियों पर जाएगा क्या कहते हैं। कुछ नदी के किनारे निर्माण भी चल रहा था, दुकानें बनाई जा रही थी, उनको भी रोक लगाया है। हाँ अभी कुछ तो बना भी रहे हैं, की जा रही है। इसमें नगर निगम की शिकायत पर कोतवाली थाने मामला दर्ज किया गया है। क्या मामला है सर और कौन है आरोपी? जिस तरह से पूरे प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ लगातार अभियान जारी है प्रशासन पुलिस के द्वारा, इसी क्रम में नगर निगम को एक विश्वकर्मा घाट है नदी फ्रंट के पास में रीवा में, वहाँ पर शिकायत प्राप्त होती है कि एक भूमि का बिना अनुमति कराए विक्रय किया गया है। उसी क्रम में नगर निगम ने उसकी जांच की पूरी तरह से, जांच करने पर उन्होंने पाया कि इसमें आपराधिक कृत्य घटित हुआ है और उसकी उन्होंने सूचना थाना कोतवाली रीवा को दी। थाना प्रभारी के द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए उन्हें पंजीबद्ध कर लिया गया और मामले को विवेचना में ले लिया गया है। इसमें जो विक्रेता है उनका नाम कपिध्वज है और जो भूमि उनकी थी उसके बाद उन्होंने उसको रोड डालकर और बिना अनुमति के उसमें कॉलोनी काट के उसका विक्रय किया है, ऐसी जानकारी नगर निगम के द्वारा प्रदान की गई है। उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? और सभी इस मामले को विवेचना में लिया गया है और आय साक्षानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।